हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक नारंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम क्लास 10। लास्ट क्लास में और उसके लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, इंक्लूडिंग RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग एंड व्हाट नॉट, सब बता दिया था। आज हम लिटरली सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हाउ विल आई नो कि आपको सब आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जो मैंने पढ़ाया था उसी के बेसिस पे, मतलब जो पहले हो चुका है। पहला कि कौन से दो नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स है, दूसरा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। अब अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है पहली दो, तो आपको ये सारे आंसर्स डेफिनेटली आते होंगे। अगर नहीं देखी तो डेफिनेटली पहले वो देख लो, या फिर अगर आपने देख ली और फिर भी जैसे अब ये वाला है ये हो सकता है आपको नहीं आता क्योंकि रीड करना पड़ेगा आपको उसके लिए, तो वो रीड करो। इन शॉर्ट, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और अगर रीड कर लिया तो ये सारे के सारे डेफिनेटली आपको आएंगे। तो पहला है कोई भी दो नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, दूसरा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तीसरा क्वेश्चन कि क्या RBC में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता, और क्यों होता है या क्यों नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों का मतलब बताना है, फैगोसाइटोसिस, डायपिडेसिस, सूडोपोडिया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था अच्छे से एकदम। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सीरम क्या होता है, मैंने दोनों क्लासेस में बताया था। सिक्स क्वेश्चन, एंटीबॉडी कौन कौन सी है, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है ऐसे इंसान में जिसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। लास्ट क्वेश्चन के थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से, मैंने कोई भी घुस घुस के कुछ भी नहीं पूछा है, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से पूछा है। ये सारे आंसर्स आप देखो आपको आते हैं कि नहीं आते, मैं इसको पढ़ा ही चुकी हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, इसको पॉज करके रीड करो। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट के रिलेटेड होता है, उसमें सबसे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में दो तीन पॉइंट बता देना चाहती हूँ और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दो तीन पॉइंट बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट वो होता है जिसके अंदर पहला हार्ट आ जाए, वेन्स आ जाए, कैपिलरीज आ जाए, आर्टरी आ जाए। मैंने आपको जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिस्टम क्लोज होता है जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होते हैं और वो ट्यूब के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। हमारी बॉडी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर हार्ट भी है, वेन्स भी है, कैपिलरीज भी है और आर्टरी भी है। ये चारों चीज़ जहाँ पे होती है वही पूरा मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। अब आप लोग जब आप हार्ट बीट को ऐसे फील करते हो तो आपको है ना अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में फील होती है हार्ट बीट। एक्चुअली में हार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं होता है, हार्ट सेंटर में होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, ये हमारे लंग्स हैं जो मैंने बहुत ही ज़्यादा पास पास बना दिए, तो हार्ट की जगह नहीं बची है। ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, यहाँ पे होता है हार्ट। किस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होता है, और हार्ट ऐसे कोनिकल शेप के जैसा होता है। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बनाऊँ तो ऐसा कोनिकल शेप जैसा होता है। तो इसका जो ये एपेक्स होता है ना, ट्राइंगल के पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो जो हार्ट का एपेक्स होता है ना, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ऐसे टिल्टेड रहता है, और यहाँ पे मैक्सिमम फील किया जा सकता है हार्ट बीट को। इसीलिए लोगों को ऐसा फील होता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट बीट है, ना कि राइट साइड में, ना कि सेंटर में। लेकिन एक्चुअली में हार्ट सेंटर में होता है, दो लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर। दिस इज डायफ्राम एंड दीज आर द लंग्स। हार्ट कैसा होता है, एक अडल्ट ह्यूमन हार्ट हो ना तो वो एक फिस्ट की साइज जितना होता है। फिस्ट मतलब ऐसे मुट्ठी होती है ना, इसको फिस्ट बोलते हैं, जिसकी लेंथ करीबन 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है और विथ होती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये उसके डायमेंशंस है, ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से। पहले मैं क्या करूँगी, हार्ट के जो भी स्ट्रक्चर है क्या कहाँ पे होता है वो बताऊँगी, उसके बाद मैं प्रोसेस बताऊँगी सर्कुलेशन का, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। आई एम श्योर मेरा अगर अच्छे से सुनोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर भूलोगे नहीं कभी भी, क्योंकि ये सर्कुलेशन ऑफ हार्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब
समझने वाली चीज है, अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो नहीं बोलूंगी मैं, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, लर्निंग नहीं कर सकते, तो मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपने ये नहीं किया तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया है हार्ट का। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी लेबलिंग के साथ, ठीक है? कहाँ से शुरू करें? ये इधर से शुरू करते हैं। दिस इज एओर्टा। एओर्टा क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है यहाँ से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या एक्चुअली इस चैम्बर से लेके जाती है, ये वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड, ये वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है? ये एक ही एओर्टा है जो यहाँ से नीचे जा रही है, उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग, और जो इधर ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम बोलते हैं एसेंडिंग। बेसिक, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो एसेंडिंग, जो नीचे की तरफ आ रहा है वो डिसेंडिंग। क्योंकि ये एओर्टा है तो इसके आगे, दोनों के आगे एओर्टा लगा दो, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट हम अगर इन चैम्बर्स की बात करें तो ये है, ये क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए या लेफ्ट होना चाहिए? मैनी ऑफ यू विल से राइट होना चाहिए, बट नो, दिस हैज़ टू बी लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इजी, ठीक है? अब ये जो दो रेड इधर और दो रेड इधर मैंने बनाई है, ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ ये बता देती हूँ, ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, क्योंकि ऊपर है इसलिए सुपीरियर, नीचे है इसलिए इन्फीरियर, ठीक है? ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये भी पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली, ठीक है? ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पे एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी जॉइंट होती है, जिससे जॉइंट होती है उसको हम बोलते हैं, कहाँ लिखूँ यार, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है? इतना हुआ। ये जो सेपरेट करता है इस चैम्बर को इस चैम्बर से, इसको हम बोलते हैं सेप्टम, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेम इधर, इंटर एट्रियल सेप्टम। एक और बात, आपकी बुक में लिखा है राइट एट्रियम को राइट ऑरिकल बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब हार्ट का स्ट्रक्चर बाहर से देखते हैं तो वो उसकी जो एट्रियम है ना, वो डॉग के कान जैसा दिखता है, और डॉग के कान को ऑरिकल बोला जाता है, इसलिए इसको भी ऑरिकल बोलते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से हार्ट को देखते हैं, बाईस क्रॉस सेक्शनल देखते हैं, तो एट्रियम हम करते हैं, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट एट्रियम होता है। आपकी बुक में दिया हुआ है ऑरिकल, तो हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एट्रियम बोला जाता है रियली में। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कॉर्डेट टेंडन है, और इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक है, क्योंकि ये एओर्टा ऐसे टर्न लेके जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एओर्टिक आर्च। चलिए ही नहीं बच्चे, आई नो सब कुछ मिक्स हो गया, मैं वापस पूरा बताने वाली हूँ, जो सिर्फ लेबलिंग्स है।
आई एम सीइंग कि कुछ रह तो नहीं गया, आई थिंक सो एवरी थिंग इज डन. ठीक है, अब हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले प्रोसेस बता देती हूँ आपको कि क्या होता है, अदरवाइज विल डू सबकी डिटेलिंग. ठीक है, सुपीरियर को इंटीरियर बना के भी बोलते हैं, इंफीरियर को पोस्टीरियर बना के. ये इतनी ही है लेबलिंग्स, आई नो दिस इज टू मच, बट लेकिन बहुत 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 ईजी है. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, विल स्टार्ट विथ राइट एट्रियम स्लैश राइट ऑरिकल. ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल. इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, अब क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में. ये जो प्रोसेस होती है, इसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. ये इसीलिए होता है कि जब हम लोग का हार्ट खुद करता है, हार्ट ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचाता है. किस तरीके से पहुंचाता है, एट्रिया पहले ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड नीचे लेके जाएगा. जस्ट लाइक अ बलून, बलून अगर पानी से भरा हुआ होगा, बलून का पानी अगर हम दबा देंगे पानी नीचे गिर जाएगा. सिमिलरली ये जो एओर्टा है वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका जो भी ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा. अब क्योंकि चांसेस है कि वेंट्रिकल में आया हुआ ब्लड वापस एट्रियम में तो जा सकता है, वो ऐसा ना हो इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो बंद हो जाता है. जैसे ही ब्लड इसके अंदर से यहाँ पे आता है, ये वाल्व बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है इस वजह से यहाँ का जो भी ब्लड है वो ऊपर नहीं आ सकता. यहाँ का ब्लड ऊपर क्यों आता है, क्योंकि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आती है. एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वहाँ से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल ने अब कॉन्ट्रैक्ट किया, तब एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, आराम फरमा रहा था. अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आई तब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है. क्योंकि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो चांसेस है कि ये वाला जो ब्लड है वो ऊपर एट्रियम में चला जाए, वो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व रखा है. ट्राइकस्पिड क्यों, क्योंकि इसके तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है. ऐसे मान लो ये एक पाइप है, यहाँ से अगर मैं इधर रास्ता बंद करना तो दरवाजे के थ्रू ऐसे तीन फ्लैप्स होंगे, एक इधर दो और एक ऊपर की तरफ, ऐसे खुलेगा, ब्लड वहाँ से उस तरफ चला जाएगा, जैसे ही ब्लड चला गया वो बंद हो जाएगा. तो ये दो फ्लैप और ये तीसरा फ्लैप ऐसे बंद हो जाएगा. मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये ऐसे सर्कल है, यहाँ पे एक फ्लैप, ये दूसरा फ्लैप और ये तीसरा फ्लैप, इस तरीके से होगा. ये ऐसे बाहर की तरफ खुलेंगे, ब्लड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ब्लड इधर आ गया तो ये जैसे ही वो होगा बंद हो जाएगा. ठीक है, ये होती है राइट वेंट्रिकल की बात. ठीक है, अब ये जो कॉर्डेट टेंडन है, कहाँ पे लेबल किया मैंने, ये रहा कॉर्डेट टेंडन है. क्या करते हैं, इन वाल्स को पकड़ के रखते हैं अपनी जगह पे, और ये है पैपिलरी मसल्स जो यहाँ हार्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, अब कहाँ पे आया ब्लड, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब ये चाहता है कि मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाऊँ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए ब्लड को कहाँ पे जाना पड़ेगा, लंग्स के अंदर जाना पड़ेगा. तो ये मैं इधर छोटू सा लंग्स ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, ब्लड वेसल है, हार्ट से लंग्स में जा रही है, बिल्कुल हाइपोथेटिक है. ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किस कहाँ से आता है, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से इधर ऊपर जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है. पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर. अभी तक हमने क्या क्या देखा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी क्यों, पल्मोनरी का मतलब ये है कि जो भी लंग्स की तरफ जा रही है ब्लड वेसल, या लंग्स से आ रही है, लंग्स से रिलेटेड जो भी होता है वो पल्मोनरी होता है. इसलिए इस ब्लड वेसल का पहला नाम हुआ पल्मोनरी. आर्टरी इसलिए क्योंकि ये यहाँ से हार्ट से बाहर निकल रही है, इसलिए उसका नाम आर्टरी होता है. अब वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर आ रही है. लंग्स के अंदर से उसने क्या किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था,
और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास थी, तो इन लोग ने अपना चीज़ें एक्सचेंज कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को इन लोग ने ब्लड के अंदर ले लिया। अब क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हाथ में आ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट के अंदर आना पड़ेगा, और वो आता है तो ये वापस लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है। अब जो लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है वही वाली जो वेसल है वो हार्ट के अंदर आती है। हार्ट के अंदर जो वेसल आती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अगेन पल्मोनरी इसलिए क्योंकि वो लंग के रिलेटेड है, वेन इसलिए क्योंकि वो हार्ट के अंदर घुस रही है। आर्टरी जो हार्ट से बाहर निकल रही है, वेन जो हार्ट के अंदर घुस रही है, जो सामान जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आ रही है। कहाँ तक पढ़ा हमने, यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहाँ से लंग्स में चला गया, लंग्स से वापस आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, आया लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन आगे जाके ना चार ब्लड वेसल में डिवाइड हो जाती है, चारों का नाम पल्मोनरी वेन होता है। दो इधर से आती है, दो यहाँ पीछे से घूम के आते हैं, क्योंकि ये हार्ट का मैंने आगे का स्ट्रक्चर बनाया है, तो अगर मैं हार्ट के पीछे जाके देखूँ तो पीछे से दो पल्मोनरी वेन आती है, लेकिन घुसती इसके अंदर ही है, इसके अंदर नहीं घुसती। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे बनाई गई है पल्मोनरी वेन, तो क्या पता यहीं से यहीं पे ही आती हो, जो कि सही है, सोचना भी तो ठीक ही है, लेकिन ये पीछे से आती है और इसके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ही घुसती है। हमेशा ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट ये होता है, डीऑक्सीजनेटेड पार्ट वाला ये होता है। अब यहाँ के अंदर आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आई, पल्मोनरी वेन से आई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जो मैंने नहीं लिखा है, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मित्रल वॉल्व, ठीक है। अब ये दो वॉल्व हमने देखे जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। एक और क्वेश्चन आना चाहिए आपको कि वेंट्रिकल से भी तो हम लोग ने पल्मोनरी आर्टरी में भेजा था ब्लड, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो तभी भी तो ज़रूरत पड़ी होगी। तभी भी होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वेन्स के थ्रू जाती है वो उसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं जो वेंट्रिकल से ब्लड वेसल को कनेक्ट करती है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्यों मैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक वेसल है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा। एओर्टा क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो यहाँ से ये जाता है एओर्टा के अंदर। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों के बीच में भी होते हैं वॉल्व्स, उनको भी सेमिल्यूनर वॉल्व्स ही बोलते हैं। वो एओर्टा के थ्रू जाता है, पूरे हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। अब दो पार्ट है, हमारा हार्ट सेंटर में होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो लेग्स और वगैरह होता है, ऊपर वाला हेड आर्म्स वगैरह होता है। अब लेग्स जो पार्ट होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम होता है पोस्टीरियर या फिर इन्फीरियर वेना केवल, क्योंकि वो नीचे होता है तो नीचे से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को दे देता है, जाता है राइट एट्रियम के अंदर। अब जो ऊपर हेड आर्म्स वाली जगह होती है वो वाला अगर ब्लड हमको डीऑक्सीजनेटेड लाना है तो वो एंटीरियर या फिर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है राइट एट्रियम के अंदर। हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे ख़त्म कर दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, आफ्टर दैट इट विल गो टू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वेना केवा, ठीक है। ये होता है हमारा सर्कुलेशन वाला पार्ट। अब एक मैं आपको बात बताऊँ कि एट्रिया जो होती है उसकी वॉल्स है ना ज़्यादा थिक नहीं होती है, वो थिन होती है, जबकि वेंट्रिकल की वॉल्स वो थिक होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली बात एट्रिया को ज़्यादा दूर ब्लड नहीं पहुँचाना होता, उसका वो फोकस नीचे की तरफ ही होता है, तो उसको थिक होने की ज़रूरत नहीं है। वेंट्रिकल को दूर तक बचाना होता है ब्लड, इसलिए उसकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है, ताकि ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करे और ज़ोर से वो अपना ब्लड सप्लाई कर सके। वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसको तो ब्लड के पास ही, लंग्स के पास ही पहुंचानी है अपनी पल्मोनरी आर्टरी पर, लेकिन ये जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचाना होता है ब्लड को, इसलिए ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ताकि ज़ोर से पंप हो और ये पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचे। ये गिव रीज़न का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि क्यों वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्यों, जो कि काफ़ी बार आ भी चुका है, ठीक है। ये होता है हमारा हार्ट का ब्लड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी के बारे में। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब वो
जो ब्लड वेसल है, कोरोनरी मतलब वो जो हार्ट के पास है, कोरोनरी सजेस्ट कि हार्ट को देना या हार्ट से लेना। तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, अगर वो इस साइड ऑफ हार्ट के अंदर हो तो वो राइट कोरोनरी आर्टरी, इस साइड ऑफ हार्ट के अंदर हो तो वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इन शॉर्ट कोरोनरी आर्टरी वो होता है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, ठीक है। अब अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉकेज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। किसी भी रीजन से अगर कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। एक और भी बीमारी है जिस अगर एक्यूट चेस्ट पेन होता है तो हम बोलते हैं उसको एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस मतलब चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, उसको हम एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से हार्ट ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है तो वो हार्ट अटैक कॉज करता है या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। ये हुई बात। अब एक और चीज़, ये बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग एक फैक्ट दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में कि जो हार्ट होता है वो एक बैंक अकाउंटेंट के जैसे होता है। मतलब अगर वहाँ पे बैंक अकाउंटेंट जो होगा वो कितने सारे पैसे संभाल के रखता है, लेकिन जो खुद की उसकी सैलरी होती है उतने ही पैसे वो खर्च कर सकता है, उतने ही पैसे उसने कमाए हैं। सिमिलरली हार्ट के पास एवरी टाइम ब्लड आता रहता है, लेकिन जो वो खुद यूज़ कर सकते हैं वो वही वाला ब्लड होता है जो कोरोनरी आर्टरी इस हार्ट को देती है, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो आपको बताया कि आर्ट और एट्रियम वेंट्रिकल इन दोनों के थ्रू ब्लड जाता है, मतलब एट्रियम पे जाते हैं फिर वेंट्रिकल में जाते हैं, इधर भी एट्रियम में जाते हैं फिर वेंट्रिकल में जाते हैं। इसमें एक और बात बता दूँ कि जब इन दोनों एट्रियम के अंदर ब्लड होता है, जब इस एट्रियम के अंदर ब्लड होता है उसी सेम टाइम पे इस एट्रियम के अंदर ब्लड होता है, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है सेम टाइम पे ये वाली भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये दोनों साथ में ब्लड वेंट्रिकल के अंदर देती है, समझे। ये दोनों वेंट्रिकल भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साथ में यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ब्लड जाता है एओटा के थ्रू, क्योंकि अगर ये वाला ब्लड यहाँ पे आता है तो कोई तो जगह होनी चाहिए ये वाले ब्लड को जाने के लिए, ये वाले ब्लड को जाने की जगह पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ब्लड आगे आके जाते रहना चाहिए। अगर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे रुका हुआ ऐसा नहीं होता, यहाँ जब एट्रिया ये वाली कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ये वाली भी साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये वेंट्रिकल करती है तो ये वाली भी साथ में ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, अलग अलग कभी भी नहीं होगा, हमेशा साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसके बाद ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तब ये रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करे तब ये रिलैक्स करेगा। इस चैप्टर में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट का एक और मीनिंग दिया हुआ है सिस्टोल, और रिलैक्स का एक और मीनिंग दिया हुआ है डायस्टोल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल होता है और रिलैक्स मतलब डायस्टोल होता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सो अब नेक्स्ट हम बात बताएंगे, नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ कि जब हार्ट बीट होती है तो आपको हम अगर फील करते हो तो आपको साउंड सुनाई देता है, लप डब ऐसा साउंड सुनाई देता है। तो वो साउंड कहाँ से आता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्लड यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाने के बाद ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। जब भी दरवाज़ा बंद होता है तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, तो जब ये दो दरवाजे बंद होते हैं तब आवाज़ आती है लब, ये दो दरवाजे बंद होते हैं तब क्या आवाज़ आती है लब, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो खुल जाएंगे, वो खुल जाएंगे, सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज एओटा के अंदर चला जाएगा। तो वो चला जाने के बाद ताकि बैक फ्लो नहीं हो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, वो जब क्लोज होते हैं तब आवाज आती है डब। जब वो क्लोज होएंगे वाल्स तब एट्रिया क्या कर रहा होगा, हमेशा की तरह रिलैक्स कर रहा होगा, वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, अब उसकी भी बारी आ गई रिलैक्स करने की, ठीक है। एक और बात, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, जब ये वाली प्रोसेस होती है तब ऑलरेडी ब्लड एट्रिया के अंदर जा ही रहा होता है वेना केवा के थ्रू और इसमें पल्मोनरी वेन के थ्रू, क्योंकि वो रिलैक्स कर रहा है तो वो खाली बैठा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मना करेगा कि तू ब्लड मत भेज, अगर यहाँ से ब्लड बाहर भेजना है तो
बाहर का ब्लड अंदर आना चाहिए, मतलब एक ही वेसल से सारी की सारी हमेशा भरी हुई रहती है, तो ये कैसे खाली रह सकता है? तो इसीलिए ये वाला जब रिलैक्स करता है तो वेना केवा के अंदर का जो ब्लड होता है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ ही रहा होता है। सिमिलरली ये जब रिलैक्स कर रहा होता है सेम टाइम पे, तब पल्मोनरी वेन से जो ब्लड होता है वो इसके अंदर आ रहा होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ये जो पीरियड होता है तब एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स बोथ डायस्टल स्टेज में होते हैं, यानी रिलैक्स कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वापस से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब क्या कर रहा होता है वेंट्रिकल? पहले से रिलैक्स में होता है, अभी भी रिलैक्स में है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये खुल जाएंगे, ब्लड सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, फिर वापस ये बंद हो जाएंगे, वापस लव साउंड आएगा, उसके बाद ये वाला भर जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब ये रिलैक्स कर रहा होगा, ये वाला आगे बस वेसल्स के अंदर जाएगा, तब उसके बाद वो बंद होगा तो वो साउंड आएगा डब, और ये अभी रिलैक्स स्टेट में होगा। तो इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि कब कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना रिलैक्स कर रहा है, वो बताने के लिए मुझे पहले ये इरेज करना पड़ेगा। सो अब हम स्टार्ट करने वाले कार्डियक साइकिल के साथ। कार्डियक साइकिल क्या होता है? एक पूरी की पूरी साइकिल होती है जिसके अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्स, और फिर दोनों रिलैक्स करते हैं। जो मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताया, मैं पाई चार्ट के थ्रू बताने वाली हूँ, ठीक है? सबसे पहले एट्रिया, मैंने गलत लिख दिया, डायस्टोल होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एट्रिया की डायस्टोल से। एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, तब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल अपना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को दे रहा है, तो तब क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। और उसका टाइम लिमिट क्या होता है, 0.15 सेकंड्स होता है, ठीक है? एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अब वेंट्रिकल ने अपना ब्लड दे दिया, एट्रिया अभी भी रिलैक्स कर रहा है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल के रिलैक्स करने का टाइम है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है तब एट्रिया अपना सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे देती है। उसका जो टाइम लिमिट होता है दैट इज 0.3 सेकेंड्स, ओके? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, एट्रियल डायस्टॉल। एट्रिया जब रिलैक्स करता है तब वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तब एट्रिया से ब्लड आ रहा होता है वेंट्रिकल में। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों रिलैक्स करने का बारी आती है, जिसका टाइम लिमिट होती है 0.4 सेकेंड्स। तो टोटल पूरी कार्डियक साइकिल कितनी होती है, 0.85 सेकेंड्स की। कार्डियक साइकिल यही होता है कि एट्रियल डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, फिर जॉइंट डायस्टॉल। जब एट्रियल डायस्टॉल चल रहा होता है तब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल चल रहा होता है तब एट्रियल सिस्टोल करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब मैंने आपको जॉइंट डायस्टॉल बताया था कि एट्रिया के अंदर ब्लड जा ही रहा होता है कंटिन्यू, भले वो रिलैक्स कर रहा हो, ये वो वाला जॉइंट डायस्टॉल जिसका 0.4 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.15 सेकेंड, ठीक है? ये है हमारी कार्डियक साइकिल। अब सबकी कार्डियक साइकिल अलग अलग होती है, सब एनिमल्स की, तो इसीलिए जितने भी लबडप साउंड्स होते हैं वो सबके अंदर अलग अलग टाइम पे आते हैं। जो भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनकी साइज स्मॉल होती है, उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है, इस वजह से उनकी जो हार्ट है वो सब जगह पे हीट बहुत फास्टली सेपरेट, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, इसलिए भी उनकी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ कि वो जो यूजुअली जो यंगर होते हैं एनिमल, जो छोटे होते हैं, उन लोगों की मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट होती है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से उस ब्लड को फटाफट फटाफट पूरी की पूरी साइकिल करनी होती है, हार्ट से टिश्यूज, टिश्यूज से हार्ट। इस वजह से भी जो यंगर एनिमल्स होते हैं या फिर जो स्मॉलर होते हैं, उन लोगों की हार्ट रेट काफ़ी फास्ट होती है। ये सर्कुलेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको पूरी की पूरी वो फ्लो चार्ट में बता देती हूँ कि ब्लड कहाँ से कहाँ पे जाता है। सो हमने सबसे पहले स्टार्ट का किया था एट्रियम से, कौन से, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसी सेम टाइम पे लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। मैं अगेन बोल रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप समझ लो तो भूलोगे नहीं। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सेम टाइम पे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सेम टाइम पे दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व
और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा जब ब्लड को इससे इसके इसके अंदर आना होगा, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आएगा। किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और जब वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा तब सेम लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपना ब्लड भेजेगा आयोटा के, आयोटा को। ये किसके थ्रू होगा? सेमी ल्यूनर वॉल्स। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा, अपना जो भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड कर देगा, वापस लेके आएगा वो हार्ट के अंदर, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से पहले आएगा पल्मोनरी वेन जो चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसके बाद जाएगा ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा इसका मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, और ये जो जाएगा वो होगा बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। जैसे ही ब्लड इसके अंदर चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे और साउंड आएगा लब। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा का सारा टिश्यूज को दे देगी या फिर सारे ब्लड क्लास। एओर्टा के थ्रू जाएगा सेमी ल्यूनर वॉल्स के अंदर, जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, समझ जाना सेमी ल्यूनर वॉल्स। आयोटा, आयोटा से जाएगा सारे के सारे टिश्यूज में, टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा इंफीरियर एज वेल एज सुपीरियर वेना केवा में, मतलब दोनों साथ में नहीं, नीचे वाला जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा, ऊपर वाला ब्लड है हेड आर्म्स वाला वो सुपीरियर वेना केवा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वापस राइट एट्रियम में। एक लास्ट बार मैं बोल रही हूँ, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होंगे ताकि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर चले जाए। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर चले जाएंगे दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, एट्रिया रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे, ब्लड जाएगा आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगी। तब तक वो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करेंगे, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स ही कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। आगे ब्लड ऐसे ही जाता जाएगा, यही प्रोसेस होती जाएगी, सेमी ल्यूनर वॉल्स बंद होंगे तो डब साउंड आएगा, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स यानी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होते हैं उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर जो बीच में जो होता है उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, वो बंद होते तो साउंड आती है लब। ठीक है, ये सर्कुलेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, इसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है, और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे उसको सॉल्व करना, अगर वो नहीं हो रहा है सॉल्व इसका मतलब आपकी कोई कमी आ रही है तो उसको सॉल्व करो, उसको समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने बताया उसको डेफिनेटली रीड करके ही आना, नहीं तो फिर भूल जाओगे सब कुछ, कोई फ़ायदा नहीं है। और बस लेक्चर यहाँ का यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।